महाराष्ट्र की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी किसानों का आंदोलन भड़क उठा है। मंदसौर में प्रदर्शन कर रहे किसानों की उग्र भीड़ पर पुलिस की गोली चलानी पड़ी, जिसमें 3 किसानों के मारे जाने की खबर है, जबकि 3 घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने पुलिस की गोली चलाए जाने की घटना का खंडन किया है। गृहमंत्री का कहना है कि मंदसौर में पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई, गोली चलने की घटना की जाँच के आदेश दिए गए। राहुल गांधी ने सवाल किया है कि क्या बीजेपी के न्यू इंडिया में अन्नदाताओं को हक मांगने पर गोलियां मिलती हैं। बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि वो जरूरतमंद और कर्ज में डूबे गरीब किसानों का कर्ज माफ करने को तैयार है, लेकिन किसानों का एक गुट पूरी कर्ज माफी पर आम आता है। महाराष्ट्र में किसानों के इस आंदोलन के पीछे निश्चित तौर पर कुछ राजनीतिक शक्तियां भी हैं जो काम कर रही हैं। समझाने बुझाने की कोशिशों का बहुत असर नहीं पड़ा। लगभग एक सप्ताह बीत चुका है, किसान खेत खलिहानों से निकले तो सड़क पर ही जम गए। बीच में आंदोलन रुका भी, लेकिन पूरी तरह से नहीं, लिहाजा कहीं रेलगाड़ियां रोकी गईं, तो कहीं रास्ता और कहीं सड़क पर बिखेर दी दूध और सब्जियां। किसान यहाँ मुंडन करके ये सरकार का निषेध करना चाहती है और सरकार को बताना चाहती है कि ये अभी तुमको इशारा है, अगर किसानों के हित में आप कोई निर्णय नहीं लेंगे तो किसान इससे भी बड़ा आंदोलन कर सकते। राज्य भर में बंद का आह्वान करने वाले संगठन किसान क्रांति मोर्चा को अलग अलग राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिल रहा है, जिसमें शिवसेना सबसे आगे है। ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि इस आंदोलन में राजनीति की बास भी मिल गई है। औरंगाबाद में सब्जी मंडी सूनी पड़ी है, यहाँ वहाँ सब्जियों की गठरियाँ रखी गई हैं, लेकिन खरीदार नहीं है। यहाँ अगर कुछ है तो किसानों का विरोध प्रदर्शन है। सांगली में किसानों ने टायर जलाए, सतारा हाईवे को जाम कर दिया। किसानों ने पुणे बेंगलुरु हाईवे को भी बंद रखा। नासिक के ग्रामीण इलाकों मनमाड़, नंदगांव, येवला, सिन्नार, लासलगांव में बंदी नजर आई। नंदुरबार जिले में भी किसानों ने राज्य के हाईवे को कुछ देर के लिए बंद कर दिया। राज्य सरकार किसानों को समझाने की कोशिशों में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जरूरतमंद और बुरी हालत में आए किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया है। उनका कहना है कि ये सरकार की ओर से किसी भी राज्य के किसानों को दी जाने वाली सबसे बड़ी कर्ज माफी होगी। राज्य सरकार ने ये तय किया है और मैंने इससे पहले भी बताया, 31 अक्टूबर से पहले जिन किसानों को आवश्यकता है, जो डिस्ट्रेस में है, उन किसानों को ऋण माफी राज्य सरकार देगा, ये हमने निर्णय किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सूबे में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं और ये भी साफ हो रहा है कि तोड़फोड़ के पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं। जिन लोगों ने मन में ये ठान लिया है कि केवल राजनीति करनी है, जो किसानों के कंधे पर बंदूक रख के केवल राजनीति करना चाहते हैं, मैं किसी भी पार्टी के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। महाराष्ट्र की जनता सब देख रही है, सब जान रही है और इसलिए निश्चित रूप से किसानों के साथ महाराष्ट्र की जनता खड़ी होगी। विरोध प्रदर्शन और किसानों से बातचीत के बीच महाराष्ट्र में उनकी दुर्दशा जारी है। नासिक में पिछले 46 घंटों में 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली है, दोनों ने कर्ज की वजह से जान दी है। किसान पूरी कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं, दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं, स्वामीनाथन कमीशन को लागू करने की जिद पाले बैठे हैं, साथ ही बिजली की दरों में कटौती चाह रहे हैं, जबकि सरकार सभी किसानों की कर्ज माफी को तैयार नहीं है। पुणे से पंकज खेलकर और मयूरेश गणपति के साथ मुंबई आज तक। महाराष्ट्र में रहकर हो रहे किसान आंदोलन का असर फल और सब्जियों की कीमत पर नजर आ रहा है।
मुंबई और पुणे नासिक के खुदरा बाजार में सब्जियों की कीमत बढ़ गई है। हालांकि हैरानी की बात है ये भी है कि अब सब्जियों की आपूर्ति लगभग सामान्य हो चली है, फिर भी दाम बढ़े। इस विरोध प्रदर्शन का सीधा असर फल और सब्जियों के बाजार पर पड़ा। हालांकि बीच में हड़ताल खत्म तो हुई, लेकिन कई जगहों पर सब्जियों की आवक कमजोर पड़ी तो इनकी कीमत ऊपर उठ गई। मुंबई में वाशी के एपीएमसी मार्केट में सब्जियों की आपूर्ति अब लगभग सामान्य हो चुकी है, लेकिन कीमतें ऊपर हैं। आप मुझे बताइए कि सब्जी जो है आज सस्ती है महंगी है? बहुत महंगी है, 20 रुपए पाव किलो इतना। और पहले कितने रहती थी ये? पहले 10 रुपए पाव था, डबल हो गया भाव। डबल हो गया, लेकिन क्यों हो गया डबल आपको पता है? वो स्ट्राइक की वजह से। आप बताइए कि आपने अभी कितने रुपए की सब्जी ली है? अभी मैं 160 का सब्जी लिया है, सब्जी खाली 4 आए हैं। और पहले कितने आती थी? अभी 160 में कम से 7-8 सब्जी आती थी, अभी खाली 4 ही सब्जी आए है। खुदरा बाजार में सब्जियों की कीमत बढ़ गई है और लोगों की जेब ठंडी हो रही है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर किसानों को इससे फायदा हो रहा है तो ये बढ़ोतरी मंजूर है। मुंबई के खुदरा बाजार में सब्जियों की कीमतें बढ़ी हैं। वर्ली के बाजार में सब्जियों की कीमत में आई उछाल का असर दिख रहा है। शिमला मिर्च 80 रुपए किलो है, जबकि शनिवार को 60 रुपए किलो थी। बैंगन भी 80 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि शनिवार को बैंगन 40 से 60 रुपए में मिल रहा था। हरा मटर 80 रुपए किलो मिल रहा है। पत्ता गोभी की कीमत 60 रुपए है। करेला 60 रुपए किलो मिल रहा है, जो कि 40 रुपए था। जबकि पुणे के खुदरा बाजार में सब्जियां थोड़ी और महंगी हैं। वहां पत्ता गोभी 80 रुपए प्रति किलो मिल रही है, फूल गोभी 120 रुपए किलो है, बैंगन भी 120 रुपए किलो बिक रहा है। गाजर की कीमत 120 रुपए है तो बीन्स 200 रुपए किलो बिक रही है। यहां तक कि करेला भी 100 के पार है और गर्मी की सब्जी भिंडी की कीमत है 120 रुपए किलो। ये जो भाव है ये कितने बढ़ गए पिछले 2-3 दिनों की तुलना में, कितने बढ़ गए? जैसे कि पहले हमको कुछ 30-40 रुपए किलो में आता था, तो वो अभी सीधा 70-80 रुपीस किलो होता है अगर मार्केट में ही। डेढ़ गुना बढ़ गया बोलेंगे? हाँ। तो अभी जो पता चल रहा है कि हर एक जो सब्जी है, खासकर ग्रीन वेजिटेबल्स, उसके दाम फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं और डेढ़ गुना जो पहले ओरिजिनल जो भाव थे उससे डेढ़ गुना हर एक सब्जी के भाव हो गए हैं। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन और सामान्य होते हालात के बीच कुछ सवाल उलझे रह गए हैं। जब सब्जियों की आपूर्ति आम हो गई, तो फिर दाम बढ़े हुए क्यों हैं? इनकी कीमतें कौन बढ़ा रहा है? कल जो चीज मैं 400 रुपए जो चीज लाया था वो आज 600 रुपए लाना पड़ा मुझे, 10 किलो का। आप मुझे बताइए कि आज बैंगन की क्या भाव में बेच रहे हैं? बैंगन ये लाल वाला 60 बिक रहा है, हरा वाला 80 बिक रहा है। आपको लगता है ये सब्जियों के दाम जो अभी कम होने चाहिए होंगे? हमारे हिसाब से तो कम होना चाहिए, क्योंकि माल आ रहा है। आज से 4 दिन पहले तो भी माल शॉर्ट था, तो रेंज सही था। आज माल ज्यादा आ रहा तो भी बाजार में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। कौन है इसके पीछे, आपको क्या लगता है? क्या पता, मुझे उसके बारे में मैं नहीं बता सकता। हालात सामान्य होने की ओर लौट रहे हैं, लेकिन अभी विरोध की आग पूरी तरह से बुझी नहीं है। ऐसे में सब्जियों की कीमत का पुराने स्तर पर पहुंचना फौरन मुमकिन नहीं दिखता। पुरानी स्थिति आने में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। पुणे से पंकज खेलकर के साथ मयूरेश गणपति, मुंबई आज तक। और आपको इस वक्त बता दें कि मंदसौर मामले पर अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सीएम शिवराज सिंह की बैठक हो रही है। मंत्रियों के साथ ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि जो भी घटनाक्रम हुआ है उसमें सरकार की काफी किरकिरी हुई है। 3 किसानों की मौत हुई है, पुलिस की गोली से मौत की खबर है, लेकिन सरकार इसको डिनाई कर रही है, कह रही है इसका खंडन कर रही है। वक्त एक ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।